नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। दलजीत के एक्स हस्बैंड निखिल पटेल ने सारी हदें पार कर दी। ये सब करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी और इस तरीके से अगर वो दलजीत को बार बार नीचा दिखाएंगे तो कोई भी क्यों बर्दाश्त करेगा। दलजीत ने आज कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की, जहां पर वो बता रही है कि उनका जो बेटा है जॉर्डन, वो आज भी निखिल को पापा कहकर बुलाता है और जॉर्डन के दिमाग में ये मेमोरीज भी बन चुकी है जिसमें दलजीत की शादी हुई है निखिल पटेल के साथ और वो अभी तक शॉक्ड में है। निखिल पटेल को लेकर दलजीत ने ये भी लिखा है कि शुक्रिया ये सब करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में तूफान लाने के लिए, पीआर स्टंट करने के लिए, और हैप्पी बर्थडे लिखा है निखिल पटेल को। निखिल पटेल का आज बर्थडे है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल वो इंडिया में लैंड हुए हैं, वो भी मुंबई में। अब आप सोचेंगे कि शायद वो दलजीत से मिलने आए होंगे। नहीं, वो दलजीत से मिलने नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ एक गर्लफ्रेंड भी लाए हैं, शायद वो गर्लफ्रेंड जिसका जिक्र दलजीत कई बार कर चुकी है अपने इंस्टाग्राम पर कि निखिल किसी एसएन नाम की महिला को डेट कर रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को वो लेकर आए हैं मुंबई में अपने साथ, जो कि फॉरनर है। और निखिल अपनी गर्लफ्रेंड को मुंबई लेकर क्यों आए हैं ये समझ से परे है। शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं, लेकिन मुंबई क्यों? क्या दलजीत को वो नीचा दिखाना चाहते थे कि तुम नहीं तो कोई और सही? दलजीत की ज़िंदगी में भले ही तूफान आया हो, लेकिन निखिल जो है अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं, नई गर्लफ्रेंड के साथ, नए अंदाज में और नए शहर में, मुंबई में वो आए हैं जहाँ पर उन्होंने साथ फेरे लिए थे कभी, और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसी जगह पर लेकर आए हैं मुंबई, शायद दिखाने के लिए या फिर दलजीत से मिलवाने के लिए या फिर दलजीत को नीचा दिखाने के लिए।